हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बारे में। फाइनली आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने का मेन मोटिव ये है कि हम लोगों ने क्या समझा था कि हमारे प्रोग्राम में चार तरीके के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। चार तरीके के स्टेटमेंट में आपका डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, अरिथमेटिक स्टेटमेंट एंड चौथा क्या था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। ये चार तरीके के स्टेटमेंट्स की हम लोग चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट के लिए अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है हमारा मॉनिटर, और जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है वो क्या होती है हमारा कीबोर्ड। तो सर, ये माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि नॉर्मली इनपुट के लिए ही यूज होता है, लेकिन माउस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना लेके ऐसे समझिए कि अगर इनपुट की चर्चा करें तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपका क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा, और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? आपका मॉनिटर हो जाएगा। अब कीबोर्ड से यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है इनकी बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो केवल इस पर्पज से कर रहे हैं कि जो भी हमारे आउटपुट स्टेटमेंट होंगे, मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि भाई क्या होता है कि जब भी हम कभी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम के दो स्क्रीन सामने आती है, एक आती है ब्लू स्क्रीन, दूसरी आती है ब्लैक स्क्रीन। टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई के अकॉर्डिंग तो जो ब्लू स्क्रीन होती है जिसपे हम लोग कोडिंग करते हैं, वहां पे तो हम कंप्यूटर से इनपुट भी करते हैं और कंप्यूटर से देखते भी हैं। लेकिन लेकिन जो चर्चा करते हैं हम लोग इस पे हमारे आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में या फिर इनपुट स्टेटमेंट के बारे में, वो हमारी मेनली चर्चा होती है उस ब्लैक वाली स्क्रीन पे जो हम बनाते हैं और यूजर को देते हैं, और यूजर उसी सॉफ्टवेयर को या फाइल को जब इंस्टॉल करता है उसे क्या क्या चीजें मिलती हैं उसके पे हम विशेष चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम चर्चा कर रहे थे इनपुट आउटपुट। देखो, आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट अप स्टेटमेंट, और इनपुट के लिए यूज करते हैं स्कैन अप स्टेटमेंट। प्रिंट अप एक पहले से प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि सब कुछ इस्तेमाल में लिखा जाएगा, चाहे प्रिंट अप हो चाहे स्कैन अप हो। PRINTF प्रिंट अप या CANF स्कैन अप। प्रिंट अप और स्कैन अप यही दो हमारे स्टेटमेंट है। ये दो के दोनों क्या है? ये लाइनें हैं, कीवर्ड हैं, क्या है सर? ये फंक्शन होते हैं। सर, ये फंक्शन होते हैं। फंक्शन होने का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड ये फंक्शन होते हैं जिनका अपना कुछ ना कुछ काम होता है। फंक्शन से रिलेटेड तीन चीजें होती हैं, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग। लेकिन जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों हमारी लाइब्रेरी सी की लाइब्रेरी में लिखा रहता है, तो उससे रिलेटेड हमें कोई भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी फंक्शन से रिलेटेड जो भी काम होंगे, क्या क्या चीजें होती है, वो फंक्शन चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे, उसको सीखेंगे कि कैसे क्या होता है। वहां पे हम प्रिंटअप की भी चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि प्रिंटअप की भी कोडिंग ऐसे हुई होगी या फिर प्रिंटअप ऐसे काम कर रहा है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं और समझते क्या है कि ये जो हमारा प्रिंटअप स्टेटमेंट है ना, प्रिंटअप एक पहले से बना बनाया फंक्शन है, प्री मेड फंक्शन है जो कि हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा। और प्रिंटअप एक प्रिंटअप प्रिंटअप उसके बाद फिर यहाँ पे छोटा वाला कोष्ठक लगता है जिसको हम लोग पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं, पैरेंथेसिस, और उसके बीच में डबल कोट लगाते हैं। डबल कोट मतलब डबल इनवर्टेड कॉमा, एक स्टार्टिंग में एक एंडिंग में। बीच में जो कुछ भी लिखते हैं वो ज्यों का त्यों हमारा क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है। ज्यों का त्यों जैसे हम लिखते हैं, वहां पे हम कुछ भी लिखते हैं, वहां पे कोई सा कॉम्बिनेशन अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर कुछ भी यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बशर्ते यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। तो कीबोर्ड इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एंड मॉनिटर इज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम सम लाइंस बाय विच प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन दैट इज कॉल्ड आउटपुट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम में कुछ लाइनें ऐसे होंगी जिसको लिखने से हमारे उस ब्लैक वाली स्क्रीन पर कुछ ना कुछ प्रिंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? आउटपुट आउटपुट स्टेटमेंट या फिर आउटपुट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। फॉर दिस वी यूज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट इज प्रिंटअप। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंटअप जो कि पहले से बना बनाया फंक्शन है। क्या प्रिंटअप? प्रिंटअप के बारे में समझ लीजिए आप लोग। प्रिंटअप इज अ यूजफुल फंक्शन फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन स्टूडियो डॉट एच। जो हम लोग सबसे ऊपर प्रोग्राम में हेडर फाइल लगाते हैं स्टूडियो, इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल से इस प्रिंटअप की कोडिंग या फिर डिक्लेरेशन हमें मिलता है जिससे कंपाइलर को समझ लेता है। प्रिंटअप इज अ यूजफुल फंक्शन, बहुत उपयोगी फंक्शन होता है, लगभग सभी प्रोग्राम में हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। दैट आर एक्सेसिबल बाय सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज में एक्सेसिबल होता है। प्रिंटअप ही यूज टू डिस्प्ले द मैसेज, क्या करता है? किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल की वैल्यू के लिए।
ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर प्रिंटअप इज नॉट अ कीवर्ड, प्रिंटअप कोई कीवर्ड नहीं है, प्रिंटअप इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, प्रिंटअप हमारा क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। देखो प्रिंटअप के बारे में हमने समझ लिया, अगर अभी भी आपको प्रिंटअप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आपका जवाब तैयार है, बस आपके क्वेश्चन पूछने की देरी है। लेट्स क्या है प्रिंटअप का यूज हम कैसे करेंगे प्रोग्राम में। सर जी हमने प्रिंटअप तो जान लिया, अब हम समझते क्या है कि प्रिंटअप का यूज कैसे होगा या फिर प्रिंटअप हमारे प्रोग्राम में आएगा कैसे, या सर इसके तरीकों को हम कैसे समझेंगे। तो देखो प्रिंटअप का यूज हम आपको करना सिखाएंगे बेसिकली तीन तरीके से है सारा प्रिंटअप। तीन तरीके का मतलब ये केवल आपके समझने के हिसाब से, कोई चीज आपको हम एक साथ बताएंगे उसमें आप अपने माइंड को संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, इसीलिए मैंने उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया, एक समझ में आएगा तो दूसरा समझ में आ जाएगा तो तीसरा समझ में आएगा। बस वैसे केवल प्रिंटिंग टेक्स्ट एज इट इज, जैसे कोई टेक्स्ट प्रिंट होता है, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिख के आप प्रिंट कराने के लिए, केवल सिंपली टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटअप का यूज होता है वो ये क्या है प्रिंटिंग टेक्स्ट एज इट। सबसे पहले प्रिंटअप लिखेंगे, हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा, और ये डबल कोट के अंदर जो भी मैसेज या फिर जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए, अल्फाबेट डिजिट आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर कुछ भी प्रिंटअप। हेलो दिस इज सी लैंग्वेज, हमने क्या लिखा, यह क्या है सी लैंग्वेज है, और तो जैसे ये लाइन लिखी जाएगी तो कंपाइलर आएगा और समझेगा कि प्रिंटअप से कि प्रिंट करने वाली चीज है, और जो कुछ भी इसके अंदर लिखा रहेगा वो क्या कर देगा सेम एज प्रिंट कर देगा। तो ये हुई बात भाई प्रिंटअप का यूज करने के लिए, इन सिंपली टेक्स्ट या मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक प्रोग्राम बनाइए, उस प्रोग्राम में अपना नाम प्रिंट कराइए, तो आपको क्या करना है, और इतना लिखने के बाद प्रिंटअप के अंदर अपना नाम, हेलो माई नेम इज खान, या फिर माई नेम इज डॉन, कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा लिख के आप इसको क्या कर सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि सर मैसेज तो हमने सीख लिया, एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल भी मैं कराऊंगा, प्रोग्राम से भी होंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फायर वैल्यू, वैल्यू के लिए कैसे क्या होगा सिंटैक्स, प्रिंट ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। देखो यहाँ पे वैल्यू के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ नई चीज आपके सामने आई है। जब कोई वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, ये कैरेक्टर होता है जो कि डेटा टाइप टू डेटा टाइप रेफर करता है, डेटा टाइप हर डेटा टाइप के लिए अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर के भी नाम से जानते हैं। जैसे पर्सन साइंड किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है, याद रख लीजिए भाई बहुत यूज होता है इसका, पर्सन साइंड इंटीजर के लिए, पर्सन साइंड एलडी लॉन्ग इंटीजर के लिए, और पर्सन साइन एफ किसके लिए होता है फ्लोट के लिए होता है, पर्सन साइन एल एफ डबल के लिए होता है, पर्सन साइन सी कैरेक्टर के लिए होता है, पर्सन साइन एस जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए होता है, और पर्सन साइन यू अनसाइंड के लिए होता है। ये टेबल आपके सामने है, इससे आप रूबरू हो जाइए, इसको आप समझ लीजिए, फिर आगे यहाँ पे आते हैं कि जैसे मान लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या है, प्रिंटअप लिखेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नेम लिख देंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख देंगे और फिर वेरिएबल का नेम जिसकी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। फिर हमने लिखा है इंटीजर एक्स असाइनिंग टू थ्री, इंटीजर एक्स असाइनिंग टू मतलब एक्स की वैल्यू क्या है थ्री है, वाई की वैल्यू भी थ्री है 3.2 है, और कैर के अंदर हमने एम रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करना है, प्रिंटअप पर्सन साइन डी एक्स, पर्सन साइन डी डबल कोट में फिर कामा लगना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोस्टली एरर्स जो होती है यहीं पे आती है, हम पर्सन साइन डी तो लगा देते हैं लेकिन डबल कोट और कामा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा पर्सन साइन डी एक्स लिखेंगे और ये प्रिंट कर जाएगा। फिर हमने लिखा प्रिंटअप पर्सन साइन डी एफ ओ वाई, तो वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर हमने लिखा जेड, जेड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नो नी डाउट, ये चीजें एकदम क्लियर है, आपके सामने है, सेम एज यूज होती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। फिर देखिए आगे चर्चा करते हैं, आगे जब चर्चा करते हैं तो देखिए एक साथ भी हम वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। कैसे वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हमने तीन के तीनों फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखे हुए, तीन के तीनों फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखे हुए हैं, इन तीन के तीनों फॉर्मेट स्ट्रिंग में ध्यान दीजिएगा, इन तीन के तीनों फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम ध्यान दीजिएगा आपकी क्या हुआ है भाई, इसमें हुआ है आपका, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, तीन के तीनों जो फॉर्मेट स्ट्रिंग आपका यूज हुआ है ना एक साथ यूज हो गया, पर्सन साइन डी, पर्सन साइन या पर्सन साइन सी, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या है आपका एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड मतलब एक्स इंटीजर है, वाई फ्लोट और जेड कैरेक्टर है, तो पहले हमने इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा, फिर हमने फ्लोट के लिए लिखा, और फिर हमने कैरेक्टर के लिए लिखा,
जरूरी नहीं कि आप इसी सिक्योर से लिखिए, आप जिसको भी इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो अगर आपको वैल्यूज एक साथ चाहिए, और उसके साथ आप क्या कर सकते हो इसको उसी ऑर्डर में फिर वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे, उसी ऑर्डर में क्या लिखने पड़ेंगे वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे, तो उसी ऑर्डर में आपकी क्या होगी प्रिंटिंग होगी। यू कैन प्रिंट मोर देन वन वैल्यू इन अ प्रिंटअप, एक बार में एक से ज्यादा वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब एक बार में दो प्रिंटअप, 2% साइन डी, 3% साइन डी, 3% साइन डी, आप कितना भी मर्जी लगा सकते हो एकदम फ्री होके निश्चिंत होके। फिर इफ यू यूज मोर देन वन फॉर्मेट स्ट्रिंग इन अ प्रिंटअप देन यू शुड फॉलो द ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर राइटिंग द वेरिएबल नेम्स। मतलब कहने का मतलब वही है कि अगर आप प्रोग्राम में एक से ज्यादा वेरिएबल्स नेम्स बनाने चाहते हो, एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको जिस ऑर्डर में लिखे जाएंगे उसी ऑर्डर में आपको वेरिएबल लिखने होंगे, और उसी ऑर्डर में आपके प्रिंटिंग भी होगी स्क्रीन पे। सो ये हुई बात, अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें इस चीज का तो ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपके टॉपिक का और यहाँ पे हम चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। आई होप आपने ले लिया होगा, फिर आगे चलते हैं भाई। और तीसरा जो यूज है इसका वैल्यू विथ मैसेज, मान लेते हैं हम प्रिंट कराना चाहते हैं वैल्यू लेकिन उसके साथ में कुछ मैसेज भी कराना चाहते हैं, तो हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने मैसेज फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, मैसेज और फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होगा वो इसी डबल कोट के अंदर रहेगा, जो वेरिएबल का नेम है वो कामा के बाद लग जाएगा। जबकि हम केवल मैसेज प्रिंट करा रहे थे तो हम केवल यहाँ पे क्या लिख रहे थे भाई, केवल मैसेज लिख रहे थे डबल कोट में, कामा के बाद और कुछ नहीं लिख रहे थे। तो वही बात यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर वेरिएबल का यूज करना है तो फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल का नेम लिखिए। जैसे मैंने लिखा इंट एज 30, यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर है और जिसकी वैल्यू कितनी है 30। हमने लिखा हेलो माय नेम इज मोनिका एंड माय एज इज पर्सन साइंड एज 13, तो यहाँ पे माय नेम इज मोनिका और माय एज इज 13, एज के बाद यहाँ पे जो पर्सन साइन डी लिखा है उसकी जगह पे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जिस वैल्यू का हम लोगों ने फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वी कैन ऑल्सो प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, हम किसी भी एक्सप्रेशन का भी रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए साइन इंटू 5 बी साइन इंटू 7, तो आपको एडिशन इस पर्सन साइन डी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी पहले जुड़ेगा और फिर भी एक वैल्यू सिंगल वैल्यू प्रिंट होगी तो क्या हो जाएगा 12 प्रिंट हो जाएगा। सो ये थी आपकी बात हमारे प्रिंटअप से रिलेटेड। हमने बताया आपको प्रिंटअप का यूज हमें कितने तरीके से करना है, तीन तरीके से करना है। तीन तरीके में हमारे चर्चा हो जाती है भाई, एक तो सिंपल मैसेज के लिए, दूसरा वैल्यू के लिए, तीसरा वैल्यू विथ मैसेज के लिए। प्रोग्राम में हम लोग सारे वर्जन का यूज करते हैं, जहाँ पे जैसी नीड होती है प्रोग्राम हमें बताता रहता है कि हमें किस टाइम पे किस वर्जन का यूज करना है, इसमें परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। कुछ आउटपुट फॉर्मेटिंग टूल आउटपुट से रिलेटेड, देखिए यहाँ पे तो बेसिक सी बात हो गई आपकी जो सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमें जानना है, जो कुछ हमें समझना है, तो मैं कुछ आउटपुट फॉर्मेटिंग टूल आपके सामने लेके आया हूँ। इस आउटपुट फॉर्मेटिंग टूल में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, क्योंकि आउटपुट में चीजों में जो होती हैं नॉर्मली कभी कभी प्रोग्राम में आ जाती है तो हमारी चीजें समझ में नहीं आती सर जी ये क्या है, तो उसके बारे में जान लीजिए। पहली चर्चा हम लोग कर रहे हैं फील्ड विथ स्पेसिफायर के बारे में। फील्ड विथ स्पेसिफायर, फील्ड विथ फील्ड मतलब क्षेत्र में, विथ मतलब चौड़ाई, स्पेसिफायर स्पेसिफाई करने के लिए जो स्पेसिफायर यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं फील्ड विथ स्पेसिफायर। मोस्टली जो है इसका यूज द प्रिंटर आल्सो गिव्स द प्रोग्रामर्स कंसीडरेबल कैपेबिलिटी टू ऐड फॉर्मेटिंग टू द प्रिंटेड आउटपुट। आउटपुट में कुछ फॉर्मेटिंग आउटपुट देता है, जैसे पर्सन साइन 2D, जैसे हमें लिखना है ऐसे, समझिए ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको, आपको इसे समझना है। हमने यहाँ पे ये लिखा भाई, इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। हाँ हमें लिखना है प्रिंटअप, हमने लिखा प्रिंटअप पर्सन साइन डी, पर्सन साइन डी यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया ए कामा बी। मान लेते हैं ए और बी हमारे दो वेरिएबल है, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है, दो के दोनों किस टाइप के हैं इंटीजर टाइप के, तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा इसका आउटपुट आएगा 5 7। अब ये कैसे स्पेसिफाई होगा कि ये 5 और 7 लिखा है, 57 नहीं लिखा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए हम कुछ आउटपुट फॉर्मेटिंग टूल यूज करते हैं, जैसे फील्ड विथ स्पेसिफायर। फील्ड विथ स्पेसिफायर क्या कहता है कि पर्सन साइन 2D लिख दीजिए आप, 3D भाई 1D तो ये है ही, 2D 3D 4D पर्सन साइन के साथ में। और कुछ लोगों को लगता है कि सर जी ये क्या है ना, नंबर का 2 से गुणा हो जाएगा, नंबर का 3 से गुणा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग या फिर फील्ड विथ स्पेसिफायर। ये फील्ड विथ स्पेसिफायर क्या करता है
इस डी वाली वैल्यू जो जिसको ये रेफर कर रहा है फिर जिसको ये प्रिंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट होने से पहले जो नंबर लिखा रहेगा उससे एक कम का एक स्पेस क्रिएट कर देगा। जब हम केवल परसेंट साइन डी लिखते हैं जब दो पे कितने का स्पेस क्रिएट कर रहा है, सॉरी वन पे कितने का स्पेस क्रिएट कर रहा है, जीरो का, तो टू पे कितने का कर रहा है, वन का, तो थ्री पे कितने का करेगा, टू का। पर्सन साइन टू डी लिखेंगे तो एक स्पेस आएगी, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं ऐसे समझिए। अब मैं यहां पे पर्सन साइन डी ना लिख के मैं लिखता हूं पर्सन साइन डी और पर्सन साइन टू डी। अब ये ए और बी की वैल्यू कैसे प्रिंट करेगा, ये पहले लिखेगा पांच और फिर स्पेस देकर क्या लिखेगा, सात। पांच से पहले कोई स्पेस नहीं है, सात से पहले एक का स्पेस है, सात से पहले कितने का स्पेस है, एक का स्पेस है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ड विथ स्पेस। थ्री डी लिखेंगे तो टू का स्पेस देगा, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, और यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको समझ लीजिए आप, माई एज इज पर्सन साइन थ्री डी एज, मैंने ये लिख दिया, आउटपुट क्या आएगा, माई स्पेस हमने दिया है तो स्पेस प्रिंट होगा, एज हमने लिखा है एज के बाद हमने स्पेस दिया स्पेस प्रिंट होगा, एज के बाद हमने थ्री डी लिखा है तो दो का स्पेस ले लेगा और 33 क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड विद स्पेसिफायर। यहाँ पे मोस्टली लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जी मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, कंटिन्यूएशन कैरेक्टर होता है सिंगल से सिंगल स्लैश के साथ में टू शो अ लॉन्ग स्ट्रिंग। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई प्रिंटअप लिख रहे हो, मान लो कि आप क्या कर लिख रहे हो भाई, कोई ना कोई प्रिंटअप लिख रहे हो यहाँ पे, प्रिंटअप लिखने के बाद आपने यहां पर लिखा पर्सन साइन, मैं लिख रहा हूं कि कोई लाइन आप लिख सकते हैं, हेलो माय नेम इज ये, और प्रिंटअप यहां पे आ गया और फिर दूसरी लाइन में भी आ गया ना, दूसरी लाइन में अब यहां पे आप डबल कोट बंद कर क्लोज कर रहे हो, तो अब यहां पे क्या होगा, अब इससे बचने के लिए यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, कंटिन्यूएशन कैरेक्टर लगाते हैं। कंटिन्यूएशन कैरेक्टर जैसे लगा देंगे तो समझ जाएगा कि स्ट्रिंग यहां से क्या हुई है, कंटिन्यू हुई है, और इस प्रॉब्लम में कोई इसका प्रोग्राम को बढ़ाने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे दिस प्रिंटअप इज टू लॉन्ग सो टू फिट ऑन द लाइन, मतलब कंटिन्यूएशन हो गया है, ये अगली लाइन में नहीं जाएगा, इसको एक ही स्ट्रिंग जैसे क्या करेगा समझेगा और इसे एक ही स्ट्रिंग जैसे क्या करेगा यूज करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। फिर अगली चर्चा करते हैं हम लोग स्केप सिक्वेंस की। स्केप सिक्वेंस क्या होते हैं, स्केप सिक्वेंस प्रोवाइड्स स्पेशल फॉर्मेटिंग कंट्रोल, एन स्केप सिक्वेंस कंसिस्ट ऑफ बैक स्लैश फॉलोड बाय अ सिंगल कैरेक्टर, सच इंडिविजुअल कैरेक्टर कैन बी मेड अंडरस्टूड टू द सी कंपाइलर थ्रू द यूज ऑफ एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स आर स्केप सिक्वेंस। इन्हें हम लोग एग्जीक्यूशन कैरेक्टर या फिर स्केप सिक्वेंस के नाम से जानते हैं, इनका अपना एक अलग मतलब होता है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बैकस्लैश एन होता है जो कि नॉर्मली न्यू लाइन के लिए यूज होता है। न्यू लाइन के लिए होने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक प्रिंटअप लिखा, हमने यहाँ पे एक प्रिंटअप लिखा, मैंने लिखा पर्सन साइन डी और फिर मैंने लिखा पर्सन साइन डी ए कामा बी, ए और बी की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए। अब हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू समझ लेते पांच है तो पांच यहाँ पे प्रिंट हो और सात वाला जो है अगली लाइन पे प्रिंट हो, तो जहां पे आपको न्यू लाइन चाहिए, जहां से आपको न्यू लाइन चाहिए आउटपुट में, वहां पे आप बैक स्लैश एन का यूज कर दीजिए। किसका यूज कर दीजिए मेरे दोस्त, बैक स्लैश एन का यूज कर दीजिए, और ये बैक स्लैश एन क्या करेगा, वहीं से न्यू लाइन में कन्वर्ट कर देगा, न्यू लाइन लगा देगा, ये न्यू लाइन यहाँ से लगा देगा, पर्सन साइन डी हो गया, यहाँ से न्यू लाइन ये लगा देगा, जहां पे भी आप लगाएंगे वहां से न्यू लाइन कर देगा, इसको न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। और भी स्केप सिक्वेंस होते हैं, पर्सन साइन बैक स्लैश एन बैक स्लैश बी बैक स्लैश एफ बैक स्लैश डबल बैक स्लैश इट बैक स्लैश टी बैक स्लैश आर और ये डबल कोट, तो ये ढेर सारे होते हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थे कुछ आउटपुट से रिलेटेड बातें जो जिसको हमने समझा। अब हमें समझना है इनपुट के बारे में कि इनपुट कैसे होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि इनिशियलाइजेशन जो होता है, कल की क्लास में चर्चा हुई थी कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है भाई। तो इनिशियलाइजेशन एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि दो तरीके का होता है, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन और रन टाइम इनिशियलाइजेशन। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, मैं आप इस टॉपिक से थोड़ा सा आपको बाहर ले जा रहा हूँ और फिर से यहीं पे आएंगे, तो जरा समझते रहिएगा भाई। और यहाँ पे समझना आपको क्या है कि ये मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, हैज
वाइड रिमेन, हमने क्या बनाया हैज हैज वाइड रिमेन, ये हमने एक प्रोग्राम बना दिया है और इस प्रोग्राम में हमने भाई यूज किया थोड़ा सा, मैं इसके साइज वगैरह बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने हैज हैज वाइड मैन, फिर मैंने बनाया इंटीजर ए असाइनिंग टू 5 और मैंने बी असाइनिंग टू 2 बना दिया। ए और बी दो वेरिएबल हो गए हमारे, एक हम कोई बना लेते हैं सी और फिर मैं लिखता हूँ सी असाइनिंग टू ए प्लस बी और मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ ये हमने बना लिया। ये जैसे ही हमने बनाया तो हमें क्या पता चला हैज हैज वाइड मैन इंटीजर ए असाइनिंग टू बी, बी असाइनिंग टू 2 और सी, सी असाइनिंग टू ए प्लस बी, ये हमने बना लिया। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम बनेगा जिसमें क्या होगा, जिस प्रोग्राम को जो प्रोग्रामर जितनी बार भी रन कराएगा, जितनी बार भी रन कराएगा उतनी बार क्या होगी इस पर भाई यही सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। इसी सेम रिजल्ट के चलते क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है बार 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 यही सेम रिजल्ट को प्रिंट करेगा। सेम रिजल्ट को जब प्रिंट करेगा तो इस प्रोग्राम को बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। सॉरी गाइस, आई थिंक लाइट कट गई है, तो लाइट कट गई है तो इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।